कुंड तो काफी पुराना है, प्राचीन काल से इसका कई संबंध रहे हैं, शतयुग से इसका संबंध रहा है और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे योग सूत्र महाभाष्य भी उन्होंने यहीं पे लिखा। शिवलिंग की स्थापना करी है, जो कि इनका दर्शन पूजन करना विशेष नागपंचमी के दिन का विशेष महत्व है। काल सर्पयोग से मुक्ति मिलती है, सारे पितृतृप्त होते हैं। पतंजलि ऋषि ने यहाँ शिष्यों को पढ़ाया। वाराणसी के जैतपुरा स्थित नागकुआ है, जिसका मार्ग पतालपुरी तक जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे नहाने, स्नान करने और पूजन करने से सर्प दोषों की मुक्ति मिलती है। नागपंचमी के दिन यहाँ दर्शन करने वालों की काफ़ी भीड़ होती है। इस कुंड के बारे में जानने के लिए आइए बात करते हैं यहाँ के गुरुजी से कि क्या मान्यता है, कितनी पुरानी है, इस कुंड का क्या इतिहास है और कितना पुराना है। कुंड तो काफ़ी पुराना है, प्राचीन काल से इसका कई संबंध रहे हैं, शतयुग से इसका संबंध है। राजा हरिश्चंद्र के लड़के को नाग भी यहीं काटा था, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है। और महर्षि पतंजलि के कालखंड से भी इसका संबंध है, उन्होंने अपने गुरु पाणिनि जी के साथ यहीं पे रहकर शिक्षा दीक्षा का कार्य किया और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे योग सूत्र महाभाष्य भी उन्होंने यहीं पे लिखा। तो मेन करके लास्ट में महर्षि पतंजलि के नाम, ये समझिए, स्थान को समर्पित है। महर्षि पतंजलि जी का कर्म भूमि रहा है ये। महर्षि पतंजलि अपने साधना स्थली के लिए इस कूप के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना करी है, जो कि इनका दर्शन पूजन करना विशेष नागपंचमी के दिन का विशेष महत्व है। तो इस कूप में लोग दूध लावा चढ़ाकर उनकी पूजन अर्चन करते हैं। इस कुंड में 7 तल बताया जाता है, जो कर्कोटक जो सांप थे, राजा थे सांपों के, वहाँ इससे बचने के लिए गए थे, तो क्या इतिहास है? देखिए, जैसा कि जिस समय परीक्षित का सर्पदंश हुआ था, उसके बाद जन्मेजय ने सभी सर्पों की आहुति का एक यज्ञ रखा था। उस यज्ञ से बचने के लिए जब कर्कोटक, जो हमारे सर्पों के राजा कहे जाते हैं, तो अपने प्राण को बचाते हुए इसी मार्ग से नागलोक को गए थे। तो इसके अंदर जो 7 तल कहा जाता है, हमारी जो पूरी पृथ्वी 14 भुवन के बीच की है, जो 7 तल नीचे हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल आता है, पाताल ही वो लास्ट तल होता है जो नागलोक कहा जाता है। तो वो 7 तल नीचे जो पाताल लोक है, जहाँ तक ये जाने का इसका पूरा मार्ग है, जो कि बताया जाता है कि कर्कोटक इसी रास्ते से पाताल लोक को गए थे, नागलोक को गए थे। तो विशेष संबंध ये स्थान का, स्कंद पुराण में इसको कर्कोटक वापी के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम चलन में नाग कुआं बोलते हैं। कर्कोटक शब्द जो है वो नाग का नाम था, वापी जो कुआं तालाब का नाम है, तो इसलिए नाग कुआं के नाम से ये विख्यात है। स्कंद पुराण में ये कर्कोटक वापी के नाम से जाना जाता है। नाग पंचमी जो है, श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उसको नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए विशेषकर कल के दिन जो नाग पंचमी का पर्व है, यहाँ पे विशेष दर्शन पूजन करने का महत्व है। यहाँ दर्शन पूजन कर यहाँ के जल को ले जाके लोग अपने घरों में छिड़काव करते हैं, और जिनको सर्पदोष से भय या सर्पदोष लगा होता है, उससे के लिए जातक यहाँ पर आकर दर्शन पूजन करने का विधि विधान करते हैं। तो ये थे गुरुजी, जिन्होंने बताया कि नाग कुआं जो नाग वापी है, यहाँ पर लोग नाग पंचमी के दिन दर्शन पूजन करने आते हैं। डॉक्टर अशोक चौरसिया नाम है, यही हम पहले इस सुरंगी में ही रहते हैं, यही जैतवा थाने के पीछे रहते हैं, आज हम पहाड़िया चले गए हैं। हमारे कितनी पीढ़ी पहले से परंपरा चली आ रही कि नागपंचमी के दिन हमारे घर में चूल्हा तभी जलेगा जब नागकुंड का जल हमारे पूरे घर में छिड़क दिया जाएगा, पूरे घर को पवित्र करेंगे, तब घर के चूल्हे को जलाएंगे, तब पूजा पाठ होकर खाना बनेगा। तो पौराणिक मान्यताएँ हजारों साल से चली आ रही होंगी, हम तो आज खुद 62 साल को गए, हमारे पिताजी के समय से चला आ रहा है, हम देखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। काल सर्पयोग से मुक्ति मिलती है, सारे पितृतृप्त होते हैं, जिसके बच्चे पढ़ते ना हो, याद रखिएगा, पतंजलि ऋषि ने यहाँ शिष्यों को पढ़ाया, जिसके पढ़ते बच्चे पढ़ ना रहे हों, यहाँ आकर के कुंड की दर्शन करा रहे, पतंजलि ऋषि का पाठ करवा कर पढ़ाई कर, बच्चा आगे जाएगा। इसको हम देखें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, उसके हम प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, MBA कर लिए, बहू डॉक्टर नहीं होगी, सब कुछ हमारे साथ हुआ है। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।